सुमीना रहमान एक फॉर्म्स ग्रेजुएट है। परिवार में पति के अलावा उनका 8 साल का एक बेटा है। वह इन दिनों एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसे देखकर कट्टरपंथी पूरी तरह बौखला गए हैं। उनके चारों तरफ हड़कंप मच गया, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। जी हाँ, वह केरल के त्रिशूल जिले में स्थित में एक हिंदू शमशान में शव को दह संस्कार का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी के इस दौर में सुबीना को एक नौकरी की तलाश थी। इसी बीच उन्हें पता चला कि केरल में स्थानीय हिंदू समुदाय द्वारा नियंत्रित शमशान एक क्लर्क की जगह खाली है। सुबीना ने इसके लिए अप्लाई कर डाला। सुबीना को नौकरी भी मिल गई है। उन्हें हर दिन की गतिविधियों को एक रजिस्टर में दर्ज करना पड़ता है। दह हुए संस्कारों की संख्या, मृतकों के नाम, पता वगैरह लिखना पड़ता है। हालांकि सुबीना का ये काम करते करते बोर हो गई। अब उन्होंने शव के दह संस्कार में अपना हाथ आजमाया। शायद वो ऐसा करने वाली पहली मुस्लिम महिला है। चूंकि हिंदी रीति रिवाज के मुताबिक महिलाओं को दह संस्कार के दौरान शमशान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती, इसलिए सुबीना के इस काम को भी समाज ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रही। मुस्लिम समुदाय में भी सुबीना को लेकर काफ़ी आलोचना हुई। लोग उन्हें काफ़ी डराते धमकाते थे, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। सुबीना का कहना है कि कोरोना से पहले 1 या 2 बॉडी आती थी, लेकिन अब दूसरी लहर के दौरान हम रोज 7 से 8 शव का दह संस्कार कर रहे हैं, जो कि शमशान गृह की क्षमता से अधिक है। वह कहती हैं, 1 बॉडी का काम निपटाने में 2 घंटे लगते हैं और अब हम 14 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी काम पूरा नहीं हो पाता और इसे दूसरे दिन के लिए टालना पड़ता है। वह बेहद दुखद है और भयानक है। दूसरी लहर के दौरान मौतों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, सुबीना के इस काम के खिलाफ सभी हैं जिनमें उनके करीबी भी शामिल हैं, लेकिन उन्हें अपने पति वाटिल रहमान का इसमें भरपूर साथ मिला। सुबीना के पति पेशे से राजमिस्त्री हैं और परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। ऐसे में सुबीना को परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेनी पड़ी। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मनियादो, वीके न्यूज़, दिल्ली।